जफर भाई, शिवसेना शिंदे गुट को 65 सीटें, इस पर भी दूसरे खेमे से सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप लोगों ने खुद तो ले लिए 146 और शिवसेना शिंदे गुट को दी 65। अरे भाई, यहां पर इनको सोचना पड़ेगा। हमारे यहाँ कहीं आपको रोष दिखा? मुख्यमंत्री है, उनकी अगुवाई में लड़ा जा रहा है, कोई रोष कहीं भी दिख रहा है? एक साथ बैठते फडणवीस जी, शिंदे जी, पवार जी, अजित पवार जी, सब साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं और उसको उसका समाधान निकालते हैं। कोई भी इश्यू होता है, पार्टी, तीन अलग अलग पार्टियां लड़ रही है तो कोई हो सकता है कोई इश्यू हो, लेकिन सबका समाधान है हमारे यहाँ। ऐसी कोई चीज नहीं जिसका समाधान नहीं है, इसलिए तो फिर तो आपने ये तय कर लिया है ना, मतलब कि अगर महायुति गठबंधन जीतता है तो फिर एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री होंगे, ये भी तय है ना? देखिए, मैंने कहा हम इलेक्शन अगुवाई में लड़ रहे हैं, जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है जी, वो जब जीतने के बाद हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी है वो, और सेंट्रल बोर्ड है वो, जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो डिसाइड करता, हमारी सीनियर लीडरशिप डिसाइड करेगी, इस पे मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये कह सकता हूं भाई, बहुत कि ये पूरा इलेक्शन जो है वो तीन लोग हैं, हाँ। जो तीन लोग हैं उसमें से उनकी अगुवाई में लड़ रहे हैं फडणवीस जी और उनके अजीत पवार जी, तीनों के अगुवाई में लड़ा जा रहा है इलेक्शन, और इलेक्शन जीतने के बाद जो मुख्यमंत्री जिनको महायुति का मुख्यमंत्री बनेगा ये पक्की बात है, ये जैसे मतलब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे अगर महायुति गठबंधन जीता, ये पक्का नहीं है। और वैसे भी आप लोग उन्हें एक बार बता ही चुके हैं कि इससे पहले हम एक बार त्याग कर चुके हैं आपके लिए, क्यों जफर भाई? नहीं नहीं, देखिए इलेक्शन के बाद डिसीजन होता है, तो हम कहां कह रहे हैं इलेक्शन के बाद डिसीजन नहीं होगा। हम डिसीजन होगा, हमारे सीनियर लीडरशिप पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड जो करेगा वही फाइनल हमारे लिए होगा। हम तो, हमारी मंशा क्या होती है, पद और पद के लिए लड़ाई इनके होती है। हरियाणा में देखिए, पहले हम मुख्यमंत्री बने गए, वहां महिला जो थी उन्होंने कह दिया, दावे ठोक दिया कि मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगी, हमारे यहाँ आना चाहिए भाई हमारे हाथ में। आलोक भाई, आप जितना भी उत्साह ले, लेकिन इधर से वैसी बयानबाजियां नहीं आ रही हैं जैसी हरियाणा में आपकी पार्टी के नेता बयानबाजियां कर रहे थे। यहां पर सब कुछ क्लियर है और वो कह रहे हैं कि जिन सीटों पर फैसला नहीं हुआ है उस पर भी हो गया है, बस डिक्लेयर नहीं की जा रही है, वो कल हो जाएगी। देखिए, लोकतंत्र में यही होता है कि विधायक आए और विधायक चुने, लेकिन इनके यहाँ विधायकों के साथ साथ ईडी सीबीआई का एक एक अधिकारी पैरेलल चलता है, वो जैसा पर्ची पकड़ा देता है वो हो जाता है। इनसे पूछिए, राजस्थान में पर्ची वाले मुख्यमंत्री बने थे, मध्य प्रदेश में पर्ची वाले मुख्यमंत्री बने थे, वो विधायकों ने चुने थे क्या? आज ये लंबा लंबा पूरा ज्ञान दे रहे हैं पूरे देश को कि हम तो विधायक आएंगे, विधायक दल की बैठक। अरे, पर्ची गई थी, राजनाथ जी ने चुपचाप निकाल के दे दी थी, और देखकर वो फेस याद होगा वसुंधरा राजे सिंधिया का क्या हाल था। लेकिन आज एक चीज क्लियर हो गई, इनको दलितों से कोई लगाव नहीं। शिंदे जी को मुख्यमंत्री केवल इसलिए बनाया था कि सरकार चलानी थी, और वो अडानी की सरकार थी, अडानी के काम कराने होंगे, तमाम अपने केस खत्म कराने होंगे। आज ये शिंदे जी को क्यों नहीं डिक्लेयर करते जब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ढाई साल तक बहुत अच्छी सरकार चली, तो आज ये एक दलित को मुख्यमंत्री पद से क्यों हटाना चाहते हैं? इनका कहना है कि तीन लोग हैं जो डिसाइड करते हैं, मैं कहता हूँ एक आदमी डिसाइड करता। शैलजा जी के बारे में बताइए, क्यों नहीं मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाया उनको? वो तो कह रही थी मैं बनना चाहती हूँ मुख्यमंत्री, शैलजा जी को क्यों नहीं आपने मुख्यमंत्री का कैंडिडेट दिया? अरे वाह 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 वाह। देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, कृष्णा हेगड़े जी भी जो है वो भी कुछ अब ऐड करना चाह रहे हैं, प्रणय जी बेचारे रह जाएंगे इसमें। नहीं नहीं, शिंदे जी देखिए मराठा लीडर है, एक मिनट प्रणय जी, कृष्णा हेगड़े जी, तीन लोग डिसाइड नहीं करते हैं। देखिए जी, जल्दी से, शिंदे जी मराठा है और किसान पुत्र है, इन्होंने उनको दलित बना दिया। चलो ठीक है, आप हो सकता है आने वाले दिनों में, अभी जैसे हमने हरियाणा में जो मुख्यमंत्री बना है वो दलित है। जी, मैं तो सही बात करूंगा, ऐसे मेरे पास नाम है। ऐसे में देखिए, हम आपके जैसे है ना, जात पात में डिवीजन नहीं करते। आपका पूरा नैरेटिव आज आलोक जी ऐसा था कि ये मराठा, ये दलित, ये मुसलमान, ये देखिए, कांग्रेस को इसके ऊपर हटना चाहिए, देश के बारे में सोचना चाहिए, महाराष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए। हर बार आप ये गुजराती है, ये दलित है,
ये मराठा है, ये ऐसे करते रहेंगे तो कैसा, ये मुसलमान है, ऐसा नहीं चलेगा ना। नहीं तो कृष्णा हेगड़े जी, आप लोगों के पास ये इनपुट है ना, समीर भाई एक मिनट, कृष्णा हेगड़े जी आप लोगों के पास ये इनपुट है ना कि अगर महायुति गठबंधन जीतता है तो फिर एकनाथ शिंदे ही सीएम होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है आप लोगों के पास, तो है ना इनपुट? देखिए आज के दिन पे जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में लड़ा करके जाइए आज, और शिंदे जी बनेंगे। नहीं नहीं, उसके बाद आज के दिन पे एकनाथ शिंदे जी ही मुख्यमंत्री है। आने वाले दिनों में 23 नवंबर को जब हमारा फिर से सरकार बनेगा, बीजेपी आला कमान और तीनों पार्टी के नेता मिलके डिसाइड करेंगे कि हमारा सीएम कैंडिडेट कौन होगा। अभी मैं हूँ शिवसेना का, मतलब बीजेपी बड़ी पार्टी होने के बाद फिर त्याग कर देगी, आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं? भाई एक बार तो त्याग कर ही दिया उन्होंने, बताया भी आपको कि त्याग किया जा चुका है एक बार। एक छोटे 40 विधायक के पार्टी को उन्होंने मुख्यमंत्री का मान दिया, हाँ। एक मराठा को मुख्यमंत्री का मान दिया तो हम खुश है, तो हम, हमारा कोई कंप्लेन नहीं है, ठीक है, कोई कंप्लेन नहीं है। प्रणय जी, प्रणय आज मेरा हमारे साथ है एनसीपी शरद गुट से। प्रणय जी देखिए, कोई कंप्लेन नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, मुख्यमंत्री बनाया गया एकनाथ शिंदे को, मान दिया गया, केंद्र मंत्री, इसकी वो कदर कर रहे हैं। आप लोग चाहे जितनी चिंगारियां लगा लीजिए लेकिन इधर भड़कने वाला कोई नहीं है, बताया तो यही जा रहा है। देखिए समीर भाई, थोड़ी देर पहले जफर भाईजान ये बात कह रहे थे कि चुनाव के रिजल्ट आने के बाद उनका पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा जी। मतलब बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड महायुति के लिए फैसला करेगा, इससे समझ में आता है कि महायुति में बीजेपी ही बड़ा भाई है या बीजेपी ही सर्वोपरि है। उसके अरे तो बड़ा भाई है ना, हम भी बोलते हैं ना बीजेपी बड़ा भाई है, क्या बोल रहे हैं? दूसरी बात, यह अलायंस जो है वह पहले दिन से दलित विरोधी है, दलित विरोधी है। आज रामदास आठवले जी नाराज है, जोगेंद्र कवाड़े जी की पार्टी को इन्होंने एक भी सीट नहीं दी, धनगर नेता महादेव जानकर जी ने इनसे नाराज होकर अपना एक अलग अपने अलग चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। तो हंसने से बात दबाई नहीं जा सकती। आपकी जो पार्टी, आपका जो अलायंस है, वह आपका जो अलायंस है वह पहले दिन से दलित विरोधी है, माइनॉरिटी विरोधी है, और इसी वजह से जनता आपको नकारने जा रही है। आप कितना भी ढोल बजा ले, कितना भी नगाड़ा बजा ले कि हम सबको साथ में लेकर चल रहे हैं, पर आपकी पॉलिसी पहले दिन से यह है कि आपने आपके गठबंधन के नेताओं सीबीआई दबाव में दबा रखा है और उस वजह से वो भरे पड़े हैं। बहुत ही जल्द जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा उस दिन सभी लोग अपनी अपनी राह पकड़ लेंगे और यह महायुति। अरे भाई प्रणय जी, आप ये जो बड़े भाई कहकर बीजेपी को, कृष्णा हेगड़े साहब को चिढ़ाना चाह रहे हैं, वो नहीं चिढ़ रहे, वो कह रहे हैं हाँ बड़ा भाई तो है ही, बीजेपी तो बड़ा भाई है ना, क्या बोल रहे, बड़ा भाई है, चिढ़ नहीं रहे क्योंकि वो चिढ़ेंगे तो उनको ऊपर से डंडा पड़ेगा, चिढ़ना पड़ेगा, यही है ना वो, ये क्या बात, डंडा पड़ेगा क्योंकि अरे भाई साहब वो चिढ़ इसलिए नहीं सकते क्योंकि उन पर ऊपर से दबाव है। अगर वो कोई भी बात बाहर आकर बोलते हैं तो ईडी वाला फोन करता है, आईटी वाला देखने जाता है, सीबीआई वाला चर्चा करने आ जाता है, और इस प्रकार से वो अंदर में भरी जो उनके कृष्णा हेगड़े जी को दूंगा, कृष्णा हेगड़े जी, कृष्णा हेगड़े जी दबाव की वजह से नहीं चिढ़ रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मुझे तो हंसी आ रही है इनके ऊपर, इसके लिए मैं हंस रहा हूँ यहाँ पर। अभी कभी बोल रहे दलित, हमारे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले महाराष्ट्र से है, वो दलित है। अरे तो महाराष्ट्र में दलितों को भी सम्मान दिया, मराठाओं को हमने आरक्षण दे दिया, सम्मान दे रहे हैं तो सीट देने में कौन सी तकलीफ है? एक एक करके नाना पटोले, नाना पटोले जी महाराष्ट्र में जाके बोल रहे हैं, और राहुल गांधी अमेरिका में जाके बोल रहे हैं कि भाई आरक्षण हटा दो। अभी यहाँ कुछ बोल रहे हैं, वहाँ कुछ बोल रहे हैं, भाई आप पहला ये तो बताओ कौन से पिक्चर का डायलॉग था आमिर खान के, कि आप कहना क्या चाहते हो? पहले वो तो हमको समझ में नहीं आ रहा, राहुल गांधी कहना क्या चाहते हो? कहना क्या चाहते हो?